बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। तो जनाब, रमज़ान की आमद आमद है, और मैंने सोचा कि रमज़ान के हवाले से मैं आपके साथ दो रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। वैसे तो रमज़ान में हम बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं, लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑलमोस्ट हर घर में डेली बन रही होती हैं, जिसमें एक फ्रूट चाट है और दूसरे नंबर पे जो है वो पकौड़े हैं। पकौड़े भी बहुत सारी किस्मों के बनते हैं, फ्रूट चाट भी बहुत सारी किस्मों की बनती है। क्रीमी फ्रूट चाट होती है, चटपटी फ्रूट चाट होती है, खट्टी खट्टी मीठी फ्रूट चाट, इस तरह की बेशुमार चाट बनती हैं। तो क्रीमी फ्रूट चाट जो है वो भी बड़े मज़े की होती है, लेकिन ज़रा रोज़े के बाद, सारा दिन रोज़े से होते हैं जब हम, तो उसके बाद क्रीमी फ्रूट चाट या वो ज़रा खा के बड़ा हैवी लगता है। और सेकेंडली, बहुत सारी ऑयली चीज़ें उसके साथ, जैसे फ्राइड चीज़ें हम खा रहे होते हैं, तो वो लोग जो वेट कॉन्शियस है या जिन्हें होता है कि हमारा वेट गेन ना हो जाए, या वो लोग जो रोज़ों में भी अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, उनके लिए ये फूड चार्ट बेस्ट है। मीन्स के इसमें आपको पूरे न्यूट्रिशंस भी मिल जाएंगे फ्रूट्स के, और आपका वेट गेन भी नहीं होगा। आप चाहे प्लेट भर के इस चार्ट को आप इंजॉय करें, लेकिन आपका वेट गेन नहीं होगा। मैंने सब कट कर लिए हैं। इसके बाद जो फ्रिज में मेरे पास रखी हुई थी डेट्स, ये मैंने डाल ली हैं, इनको मैं काट लेती हूँ। अच्छा, डेट्स का, जिस भी चीज़ में आप डेट्स यूज़ करें, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एक तो अच्छी तरह वॉश कर लें, उसके बाद जब आप खोलते हैं और गुठली निकालते हैं, तो एक दफ़ा खजूर के अंदर अच्छी तरह से ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि खजूर ऊपर से तो बिल्कुल ठीक लग रही होती है, लेकिन ना अंदर से उसमें कोई ना कोई कीड़ा लगा हुआ होता है या ख़राब होता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रख लेना चाहिए कि अंदर से एक दफ़ा ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे मैंने खजूरें काट ली हैं, इसके अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी वो उसमें मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के। ये बहुत ज़्यादा मीठी चाट नहीं होगी, अगर आपको ज़्यादा मीठी चाहिए है तो 2 टेबल स्पून कर लें, अदरवाइज़ फ्रूट्स का अपना मीठा भी होता है। हाफ़ टी स्पून के जितना मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून जो है उसमें मैं चाट मसाला ऐड कर लूँगी, और बस इसके अंदर यही 3 चीज़ें जाएंगी, उसके अलावा और कोई कुछ भी नहीं ना। हाँ, काला नमक जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो उसका भी टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। इसके बाद जो है ना वो मैं इसमें ऑरेंज जो है वो स्क्वीज़ कर लूँगी। अच्छा, अगर तो ऑरेंजेस का सीज़न है तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर ये चाट समर में बन रही है और ऑरेंजेस नहीं अवेलेबल हैं, तो उसकी जगह पे हम इसमें ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं, जो डिब्बे में नॉर्मली आता है वो भी हम इजीली डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। Thank you.
मेरा चाट बड़ी अच्छी सी रेडी हो चुकी है और जितनी कलरफुल ये देखने में लग रही है, बिलीव मी खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आप इस रेसिपी के साथ अपने घर में चाट ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आपकी फ़ैमिली को कैसी लगी। तो तब तक हम करते हैं चाट को इंजॉय और उसके साथ थोड़ी सी कुछ बेकरी आइटम्स हैं, तो इसके बाद मैं इंशाल्लाह से आपको देती हूँ पकोड़ा रेसिपी के मैं पकोड़े किस तरह बनाती हूँ अपने घर में। जी तो अब शुरू करते हैं अपनी पकोड़ा रेसिपी। इसके लिए मैंने 6 से 7 अदद जो है ना वो मीडियम साइज़ के आलू ले लिए और 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, और इसको मैंने धो के अच्छी तरह छील ली है। इसके बाद जो है ना ये है अनारदाना, और अनारदाना चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी शॉप से ले लें या जो भी कर लें, इसमें बहुत मट्टी होती है, इसको अच्छी तरह धोना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ इसमें मैं शामिल करूँगी लाल मिर्च, नमक, हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा वो ये अच्छी लगती हैं इसमें, सूखा धनिया कूटा हुआ मोटा मोटा कूट लिया था मैंने, और इसके अलावा कसूरी मेथी है और ये धनिया पाउडर है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आलुओं के ये पकोड़ों के मिक्सचर में जाएंगी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं काटती कैसे हूँ। पकोड़ों के लिए आलू काफ़ी स्टाइल में काटे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। मैं इनको जैसे फ्राइज़ के लिए हम स्लाइस आलू के बनाते हैं उस तरह बना के, और उसके बाद मैं इसके बारीक बारीक जैसे फ्राइज़ से होते हैं, लेकिन फ्राइज़ जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, इसके मैं थिन थिन से वो स्लाइस कर लूँगी। इससे ये होता है कि जो पकोड़े हैं ना वो ज़रा लंबी लंबी शेप के आते हैं, जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं और उनके पकोड़े काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और देखने में भी वो बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छा, तो प्याज काटने के हवाले से ना मैं आपको यहाँ पे एक टिप देती जाऊँ कि पकोड़ों में हमेशा प्याज इसी शेप के काटने चाहिए। अगर हम चॉप करके प्याज डालेंगे या किसी भी और तरीके से डालेंगे पकोड़ों का वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्याज और आलू जो हैं वो मैंने थिनली कट कर ली हैं। अब मैं इसमें सूखा धनिया, कसूरी मेथी और सूखा धनिया पाउडर ये शामिल कर लूँगी, और जो मिर्चें मैंने काट के रखी हुई हैं सब्ज़ मिर्चें उनको शामिल कर लूँगी, और साथ ही साथ नमक और मिर्च भी इसमें शामिल कर लूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे ना अगर पालक डालना चाहें तो वो भी काट के डाल सकते हैं, मैं फ़िलहाल नहीं डाल रही हूँ, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। और ये जो है अनारदाना, अनारदाने को बहुत अच्छी तरह से 5-6 दफ़ा 10 दफ़ा बल्कि धोना चाहिए, जब तक कि मट्टी अंदर नज़र आना बिल्कुल बंद ना हो जाए। तो अच्छा, अनारदाना मैंने शामिल कर लिया, और अगर आप 6 मीडियम साइज़ के आलू मैं लेती हूँ तो उसमें 1 प्याली के जितना बेसन डालती हूँ, ये कि बेसन बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो कि वो बिल्कुल फ्राइज़ पकौड़ों की बजाय वो फ्राइज़ ही लग रहे हो। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनके पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते, इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, उनमें से एक वजह ये भी है कि ऑयल उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, मींस जितना टेम्परेचर पकोड़ों को चाहिए होता है उससे ज़रा भी ठंडा ही होता है, तो अगर पकोड़े डाल दिए जाएँ तो पकोड़े सारा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाते हैं। और सेकेंडली ये चीज़ है कि ऑयल कम होता है और पकौड़े अगर ज़्यादा डाल दिए जाएँ तो भी पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो कुछ थोड़ी सी टिप्स होती हैं और ट्रिक्स होती हैं जिनका ख्याल रखें तो पकौड़े बहुत अच्छे हंसता और क्रिस्पी बनते हैं।
आई होप कि दोनों रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर आप घर में ट्राई कीजिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टिल देन स्टे होम सेफ पाकिस्तान, टेक केयर, फ़ी मान अल्लाह।